हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट रे जब अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कि मिरर आ जाए या कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तो वहाँ से रिफ्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है लाइट रे का, और जो डेविएटेड लाइट रे है, डायरेक्शन चेंज होने के बाद जो लाइट रे है वो हमारे यहाँ के पास पहुँचता है, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसका इमेज दिखता है, क्योंकि जितनी बार लाइट रे डेविएट होता है उतनी बार इमेज बनता है ना। तो अगर डेविएटेड लाइट रे हमारे पास पहुंचेगा, डायरेक्शन चेंज होने के बाद अगर लाइट रे हमारे आंख के पास पहुंचेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक। अगर हम उसी मीडियम में है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, और लाइट रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से निकलकर हमारे आंख के पास आ रहा है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। लेकिन जब लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद किसी ऑब्स्ट्रक्शन से या किसी मीडियम से टकरा करके, है ना, या क्रॉस करके, घूम करके हमारे पास आ रहा हो, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसका इमेज दिखेगा। घूम कर आने का मतलब कि डेविएट होकर हमारे आंख के पास आ रहा होगा, तो हमें इमेज दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है। अगर लाइट रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आए तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, और अगर लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद कहीं से घूम करके आ रहा है, कहीं से डेविएट होकर के हमारे आंख के पास आ रहा है, तो हमें इमेज दिखता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे मीडियम में है, और हम किसी दूसरे मीडियम में, अलग अलग मीडियम में है, दोनों की बाउंड्री एक ही जगह है। ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट रे हमारे पास पहुंचेगा, तो डेविएट होकर के पहुंचेगा, है ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो उसका पाथ जो है चेंज हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, हमें इमेज दिखेगा, है ना। तो उस केस में जब हमें इमेज दिखता है उस ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का पोजीशन हम पता करते हैं जो बाउंड्री है दोनों मीडियम की, वहां से दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है वहां से इमेज का पोजीशन पता करते हैं, जिसको हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं, है ना। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। तो एक्चुअल डेप्थ क्या होता है, वो एक्चुअली में उस बाउंड्री से ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, है ना। जो दो मीडियम की बाउंड्री है वहां से ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल डेप्थ, और उसी बाउंड्री से इमेज का जो पोजीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक। तो आज हम लोग एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटर यह है कि हम लोग यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है। तो देखेंगे कि अगर किसी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो डायरेक्शन चेंज होगा लाइट रे का, तो उस केस में एक इमेज बनेगा। तो किस तरह से इमेज बनता है, कहाँ पर इमेज बनता है, आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखेंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, है ना, जिसमें कि ये एक व्हाइट लाइन जो दिखाया है, ये एक्चुअली में दो मीडियम की बाउंड्री है। ऊपर जो है मान लेते हैं एयर है, और नीचे मान लेते हैं कि वाटर है। वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, हो सकता है फिश हो, है ना, सपोज ये फिश है, है ना। अब इस फिश को ये ऑब्जर्वर जो है एयर से देख रहा है। ठीक है। तो उस ऑब्जर्वर के पास जो लाइट रे पहुंचेगा वो सीधा नहीं पहुंचेगा। किस तरह से पहुंचेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं एक लाइट रे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, है ना, कि जो फिश से लाइट रे आएगा, ये सपोज ये फिश है, तो यहां से कुछ लाइट रे ऐसे जाएगा, है ना, और फिर यहां से ये बेंड हो जाएगा, यहां से, क्योंकि ये वाटर से एयर में जा रहा है, नीचे डेंसर है और आगे रेयर है ना। तो डेंसर से रेयर में जाने पर लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाता है ना। तो यहां से ये लाइट रे एक्चुअली में बेंड हो जाएगा और ऑब्जर्वर के पास ऐसे पहुंचेगा। ठीक है। तो ये जो है इसको कहेंगे कि इंसिडेंट रे। जो बाउंड्री है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, लाइट रे को बेंड कर रहा है, डेविएट करा रहा है। ठीक है। तो
वहां पर उस बाउंड्री पर इंसिडेंट रे कौन सा है, ये जो फिश से निकल करके गया है, और उसके बाद जो ऊपर आप लाइट रे देख रहे हैं ये वाला, ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, है ना, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे जो है ऑब्जर्वर के आंख के पास पहुंच रहा है, ठीक। तो ऑब्जर्वर को ये जो फिश है वो यहां नहीं दिखेगी, उस ऑब्जर्वर को जो है ये जो लाइट रे जा रहा है वो कहां से आता हुआ दिखेगा, इसको हम पीछे एक्सटेंड करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो हमेशा लगता है कि लाइट रे स्ट्रेट पाथ पर चलता है, सीधा चलता है ना। तो सीधा चलने का मतलब ये हुआ कि यहां से उसको लाइट रे जाता हुआ दिखेगा, यानी उसको जो फिश है वो कहीं यहां पर दिखेगी, ठीक है, फिश का इमेज उसको यहां पर दिखेगा। ये हो गया एक्चुअली में इमेज, और ये जो नीचे मैंने बनाया था ये है ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ऊपर एयर है नीचे वाटर है बीच में बाउंड्री है, ठीक है। तो बाउंड्री से ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग यू कह सकते हैं वो ये है ना, बाउंड्री से यहां तक का, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ भी कहते हैं और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। और ये जो इमेज है, इमेज का जो लोकेशन है ये, इसको हम लोग कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस वी, और इसी को हम लोग अपरेंट डेप्थ भी कहते हैं, है ना, अपरेंट डेप्थ। तो ये अपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ में क्या रिलेशन होगा इसको अभी हम लोग यहां पर समझेंगे, ठीक है। तो जो वाटर है, वाटर में देखेंगे कि इंसिडेंट रे है ना। तो मैंने जो स्नेल्स ला बताया था वो जिस तरह से बताया था उसी के हिसाब से मैं यहां पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इंसिडेंट रे जो है वो वाटर के अंदर है, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैं कहूंगा म्यू आई, आई मतलब इंसिडेंट रे के लिए जो है एक सिंबल है ना। तो हम कहेंगे कि म्यू आई क्या है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। उसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे कहां पर है, एयर में, है ना। तो एयर में है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम लोग कहेंगे म्यू आर। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट। रिफ्रैक्टेड रे एयर में है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू आर कहेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक जनरल सिंबल रख रहा हूं, इस सिंबल को हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वाटर के जगह पर ग्लास आ जाए और एयर के जगह पर वाटर आ जाए, है ना, तो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन म्यू आई और म्यू आर जो है हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ऑब्जेक्ट जो है जिस मीडियम में होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई ही कहलाएगा, क्योंकि उसी में इंसिडेंट रे होगा। और जो है ऑब्जर्वर जिस मीडियम में होगा, ध्यान रखना ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में, दोनों एक मीडियम में नहीं होंगे, दोनों एक मीडियम में होंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन पर दिख जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो ऑब्जर्वर को यानी हमें दूसरे मीडियम में होना पड़ेगा। हम दूसरे मीडियम में होंगे तो लाइट रे बेंड होकर के जाएगा, बेंड होकर के जाएगा तो इमेज हमें दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। हमें ओरिजिनल पोजिशन पर दिखेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें दिख ही नहीं रहा, हमें तो इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंबल दिया। अब देखेंगे यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि ये जो पॉइंट है जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ है उसको मैं कह देता हूं पॉइंट ए है। ये एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया था जो ब्लैक कलर का है, उसको कह देते हैं पॉइंट बी। और ये जो फिश है इसको मैं कह देता हूं ओ। ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में, इसको ओ कह देते हैं, ठीक है। और ये जो इमेज बना है इस पॉइंट को मैं कह देता हूं आई, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पर कई सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं इन ट्रायंगल्स में हम लोग कुछ ज्योमेट्री लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी ओ, देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये है पॉइंट ए बी और ओ, ये एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये वाला। ऐसा क्यों, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आप, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जहां पर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि ये येलो कलर का जो अभी मैंने ड्रॉ किया ये भी एक नॉर्मल है और ये भी एक नॉर्मल है, दोनों पैरेलल हैं और ये जो इंसिडेंट रे है उनको काट रहा है, तो ये आई होगा तो ये भी आई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होना चाहिए, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होना चाहिए यहाँ पर। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के इक्वल होगा। कारण ये है कि ये ब्लैक कलर वाला जो नॉर्मल है, ये जो येलो कलर वाला नॉर्मल है, इन दोनों को ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस तरह से काट रहा है ना। तो ये एंगल आर और ये एंगल आर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं टैन आई की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, टैन आई का जो वैल्यू आएगा वो होगा ए बी, ए बी देखेंगे उस ट्रायंगल का जो है हाइट हो गया एक तरह से, या ऑपोजिट साइड होगा कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना होगा बी ओ, है ना, बी ओ जो है वो हो जाएगा उस ट्रायंगल का बेस। अब ए बी को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो बी ओ है उसको मैं यू लिख सकता हूँ, एक्चुअल डेप्थ लिख सकता हूँ या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकता हूँ। उसी तरह से एक और ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी आई, है ना, देखेंगे ये है ए, ये बी और ये आई। इस ट्रायंगल में भी जो है, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी हम लोग टैन आर की वैल्यू निकालेंगे। टैन आर का वैल्यू कितना आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई, देखिए ए बी डिवाइडेड बाई बी आई, है ना, ए बी इसका जो है ऑपोजिट साइड हो गया, या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, और ये बेस हो गया बी आई, है ना। इसको लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम यहां पर निकालना चाहें टैन आई डिवाइडेड बाई टेन आर, इसका और इसका रेशियो निकालना चाहें तो देखेंगे ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वी बाई यू, है ना, ये हो जाएगा वी बाई यू। अब खास बात ये है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम लोग पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बात करते हैं पैरेक्सियल रेज की। पैरेक्सियल रे का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल व्यू की। नॉर्मल व्यू का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जर्वर आपको दिख रहा है वो सीधे ऊपर से देख रहा है यहां से, ठीक है। हमने जो डायग्राम बनाया, चूंकि डायग्राम क्लियर दिखना चाहिए इसलिए इसमें एंगल बड़े बड़े दिखा दिए, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है बिल्कुल ऊपर से देख रहा है सीधे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बहुत छोटा सा होगा। अगर इसकी दो आंखें हैं ऑब्जर्वर की, तो एक आंख कहीं इधर होगा, एक आंख कहीं इधर होगा आसपास में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों छोटे छोटे होंगे। अगर उसकी बात किया जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बहुत ही स्मॉल हो तो क्या होगा, फॉर नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू मतलब सीधे ऊपर से देखा जा रहा है, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, जब बहुत स्मॉल होंगे तो टैन आई को मैं अप्रोक्सीमेटली साइन आई लिख सकता हूँ, जैसे टैन जीरो और साइन जीरो दोनों जीरो होता है, तो उसी तरह से टैन 5 डिग्री और साइन 5 डिग्री ऑलमोस्ट बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए टैन आई को साइन आई भी लिखा जा सकता है, और साथ में हम लोग लिख सकते हैं जो टैन आर है उसको भी अप्रोक्सीमेटली साइन आर
लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो है, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है ना, ये वाला, इसमें जो रेशियो है टैन आई डिवाइडेड बाई टैन आर, उसको हम लोग साइन आई बाई साइन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू वी बाई यू, है ना। अब एक बात ध्यान में रखना है कि जिस सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन होता हो, वहां पर आई और आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को रिलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, और वो होता है स्नेल्स रूल, स्नेल का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, है ना। तो बाई स्नेल्स लॉ हम लोग कह सकते हैं कि न्यू आई साइन आई इज इक्वल टू न्यू आर साइन आर, है ना। जिस मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है उसी में एंगल भी लेना है, ठीक है, उसी में हमें एंगल भी लेना है ना। तो देखेंगे यहाँ जो डायग्राम हमने बनाया था, तो अगर मैंने वाटर के अंदर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, तो वाटर के अंदर का मैंने एंगल भी लिया आई, ठीक है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे म्यू आर, तो एयर के अंदर का एंगल भी लेंगे आर, इसीलिए आएगा ये म्यू आई साइन आई म्यू आर साइन आर, है ना। ये स्नेल्स का रूल हो गया, ठीक है। अब स्नेल्स रूल ये हो गया, तो देखेंगे कि यहां से साइन आई बाई साइन आर ये आ जाएगा यहां पर म्यू आर बाई म्यू आर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने यहां फाइंड किया था और दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, दोनों में साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू ये है। तो अगर दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाई सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, वी बाई यू इज इक्वल टू न्यू आर बाई न्यू आई, यहां से निकाल सकते हैं वी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू, है ना। ये रिलेशन होता है। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में जो कि मैंने डायग्राम बनाया था, है ना, अगर ये मैंने डायग्राम बनाया था, यहां पर आप चाहें तो जो म्यू आर है वहां पर वाटर के लिए यूज कर सकते हैं 4/3, और हाँ नहीं, रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में एयर में था, है ना। तो म्यू आर के जगह पर हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख सकते हैं, है ना। तो यहां पर रखेंगे एयर के लिए, और जो म्यू आई है ये वाटर के लिए था, तो इसके जगह पर हम लोग वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख सकते हैं जो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है उसके लिए। अदरवाइज आपको डिफरेंट केसेस दिए जा सकते हैं। हो सकता है कि जो लाइट रहे वो ग्लास से निकल करके वाटर में जा रहा, ऑब्जर्वर जो है वाटर में है और ऑब्जेक्ट जो है ग्लास में है, तो म्यू आई के जगह पर ग्लास का रखेंगे, म्यू आर के जगह पर वाटर का रखेंगे, है ना। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इस जनरल फॉर्मूले में क्या ध्यान में रखना है कि जो v है ये इमेज डिस्टेंस कह सकते हैं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, और इसी को हम लोग एपरेंट डेप्थ भी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ। उसी तरह से u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, फ्रॉम बाउंड्री, और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। तो यहां पर म्यू आई और म्यू आर क्या हो गए, म्यू आई हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होगा, खास बात है कि उसी मीडियम में ऑब्जेक्ट भी होगा,
है ना? रे इज प्रेजेंट, ठीक है। उसी तरह से म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे उस मीडियम में होगा जिसमें कि ऑब्जर्वर होगा, है ना, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होगा उसमें रिफ्रैक्टेड रे जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ऑब्जर्वर की आंख तक जाएगा तभी उसको इमेज दिखेगा। तो ये यहां पर ध्यान में रखना, ठीक है। खास बात यहां पर ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम साइड में बनते हैं। यहां पर मैं ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ बाउंड्री, वाइल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड, है ना। साथ में एक और चीज है, इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज रियल।